Welcome to Career Flight. Today in this video we'll be discussing preposition, but before watching the video, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. Okay, let's move on to preposition. Okay, what is preposition exactly? Preposition ka definition kya hai, hum log dekh lete hai pehle. Preposition is a word that connects. क्या करता है प्रीपोजिशन? कनेक्ट करता है किसके साथ? अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन को या प्रोनाउन को किसके साथ? विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट थिंग है कि प्रीपोजिशन इज अ कनेक्टिंग फैक्टर और कनेक्टिंग वर्ड. वो किसको किसके साथ कनेक्ट करता है? नाउन और प्रोनाउन जो होता है ना सेंटेंस में, उसको अदर वर्ड्स के साथ, सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. कैसे? एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है, टू एग्जाम्पल्स आर देयर. हम लोग देख रहे हैं दो एग्जाम्पल दिखाया गया है वहाँ पे. एक है द कप इज ऑन द टेबल, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर. सो यहाँ पे जो कप है ना, द कप इज द नाउन हियर, और इसका जो कनेक्शन है किसके साथ? द टेबल के साथ. अनदर वर्ड इन द सेंटेंस विच इज ऑल्सो नाउन आई थिंक. सो यहाँ पे जो नाउन है, जो कप, द कप जो नाउन है, उसको टेबल के साथ कनेक्शन क्या है? कैसे पता चलेगा? द कनेक्शन इज कप कहाँ पे है? टेबल पर है, टेबल के ऊपर है. तो द कप इज ऑन द टेबल, सो ऑन इज द कनेक्टर हियर. ऑन कनेक्ट्स द टेबल विद द कप, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रीपोजिशन. ओके, हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर. सो ये जो द कैट है, जो नाउन है कैट, तो उसका चेयर के साथ कनेक्शन क्या है? अनदर वर्ड चेयर, इसके साथ क्या कनेक्शन है? वो चेयर के नीचे बैठी हुई है. द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, सो दैट्स वाई अंडर जो है ना, वो कनेक्ट कर रहा है चेयर को कैट के साथ. दैट्स वाई इट इज प्रीपोजिशन हियर. आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है. यहाँ पे ऑन और अंडर हम लोगों को मिल गया कि दो प्रीपोजिशंस है. अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस क्या क्या होते हैं. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है कि थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर देयर. क्या क्या? सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशंस. तो एक्चुअली ये लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस है जिसको आप लोग को याद करना है. क्या क्या? इन, ऑन, एट, ये सब जो है वो सिंपल प्रीपोजिशंस में आता है. देयर आर अदर प्रीपोजिशंस ऑल्सो देयर. क्या क्या है? अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, अमंग, अमिडस्ट, अराउंड. सो दीज आर कंपाउंड प्रीपोजिशंस. एंड लास्ट कैटेगरी हियर इज फ्रेज प्रीपोजिशन, जो जहाँ पे दो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, जैसे इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, बिकॉज ऑफ. सो ये सब आप लोग क्या करना कि लिस्ट को मेमोराइज कर लेना. सो लेट्स मूव ऑन टू रूल्स, सम ऑफ द रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस हियर. क्या क्या रूल्स अप्लाई होता है एक्चुअली प्रीपोजिशंस के साथ? ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रूल नंबर वन पे क्या लिखा हुआ है. अ प्रीपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ वर्ब. प्रीपोजिशन के बाद हम लोग वर्ब को यूज नहीं कर सकते हैं, बट कर सकते हैं अगर हम लोग उसको, वर्ब को यूज कर सकते हैं. द वर्ब प्लेस्ड, अगर कर लिया हम लोगों ने अगर वर्ब को प्रीपोजिशन के बाद प्लेस, तो उसमें एक कंडीशन अप्लाई होता है. व्हाट इज द कंडीशन? प्रीपोजिशन मस्ट बी इन, सॉरी, द वर्ब मस्ट बी इन जेरन फॉर्म. जेरन मतलब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के बारे में बता रहे वर्ब का, ठीक है. कैसे? लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स हियर. शी इंसिस्ट ऑन डूइंग इट अगेन. तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, ऑन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग वी आर यूजिंग द वर्ब बट इन जेरन फॉर्म. डू नहीं यूज कर रहे, उसका आईएनजी फॉर्म डूइंग यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज, यू कैन प्लेस द प्रीपोजिशन, सॉरी, वर्ब इवन आफ्टर द प्रीपोजिशन. द वर्ब कैन फॉलो द प्रीपोजिशन इफ वी आर यूजिंग द जेरन फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है कि आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर. सो यहाँ पे फ्रॉम के बाद हम लोग ड्रिंक को यूज कर रहे हैं. आफ्टर दिस प्रीपोजिशन वी आर यूजिंग द वर्ब बट इन जेरन फॉर्म, दैट मीन्स इन आई एन जी फॉर्म में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं. दैट्स वाई वी आर बींग एबल टू प्लेस द वर्ब इवन आफ्टर द प्रीपोजिशन, बिकॉज इट इज इन जेरन फॉर्म. सो दैट इज ऑल अबाउट रूल नंबर वन. लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर टू हियर. तो यहाँ पे रूल नंबर टू में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज इन्फिनिटिव. अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म में. इन्फिनिटिव फॉर्म यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टू प्लस वर्ब जो है ना उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर द इन्फिनिटिव. उस प्रीपोजिशन को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इन्फिनिटिव के बाद यूज करते हैं. कैसे? आई नीड अ पेन टू राइट विथ. क्या मतलब? इसमें टू राइट मीन्स टू प्लस वर्ब, दैट मीन्स इट इज इन इन्फिनिटिव. सो दैट्स वाई हम लोग उसके बाद इसको प्लेस कर रहे हैं प्रीपोजिशन विथ को.
नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम लोग वही सेम कंडीशन देख रहे हैं कि दिस इज अ वेरी नाइस होटल टू स्टे एट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टू स्टे जो है ना वो क्या है, टू प्लस वर्ब है एक्चुअली, इट इज इन दैट मीन्स इन्फिनिटिव. दैट्स वाई वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग एट द प्रीपोजिशन आफ्टर द इन्फिनिटिव. सो इट्स ऑल अबाउट रूल नंबर टू. लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर थ्री. हियर रूल नंबर थ्री में क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन. जो अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ना इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, व्हाट, ओके, हु, व्हिच, वेयर, ये सब अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तब हम लोग को क्या कंडीशन अप्लाई होता है. द प्रीपोजिशन यूजुअली टेक्स एंड और फ्रंट पोजिशन सॉरी. तो यहाँ पे आइदर एंड पोजिशन में यू हैव टू यूज इट और फ्रंट पोजिशन में आप लोग को प्लेस करना हो. कैसे, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ. तो यहाँ पे जो ऑफ है ना, क्योंकि व्हाट इज देयर, isn't it interrogative pronoun, that's why हम लोग preposition को end place में position कर रहे हैं. same second sentence में भी वही same formula apply हो रहा है, who है, that's why we are using of at the end of the sentence. so this is all about, it's a very simple rule actually. इसमें बस है यही है कि आप लोग को ये मतलब consider करना होगा कि what, who, which, where, अगर ये सब object of preposition as an interrogative pronoun आप लोग sentence में use कर रहे हैं, तो आप लोग को हमेशा either you have to place the preposition at the end of the sentence or at the front position. okay, this is all about rule number three. let's move on to rule number four now. तो रूल नंबर फोर में क्या बताया जा रहा है, वी यूज एट फॉर सम स्मॉल प्लेस टाउन एटसेट्रा वाइल इन फॉर बिग प्लेस टाउन सिटी कंट्री. मतलब यहाँ पे एक्चुअली प्रीपोजिशन एट को कहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कैसे बिठाते हैं, ये इंपॉर्टेंट. प्रीपोजिशन एट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, स्मॉल प्लेसेस के लिए, टाउन, स्मॉल टाउन्स के लिए, ठीक है. और इन जो है उसको हम लोग बिगर प्लेसेस, बिग प्लेसेस, बिग टाउन, सिटी, कंट्री, ये सब के साथ हम लोग इनको यूज कर सकते हैं. कैसे, एक सेंटेंस में हम लोग को यहाँ पे दोनों प्रीपोजिशन यूज करके दिखा रहे हैं. कैसे, ही लिव्स एट नागौर इन राजस्थान. तो यहाँ पे एट जो है ना वो क्या है, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, इजंट इट, सो दैट्स व्हाई नागौर के पहले हम लोग ने एट यूज किया. लेकिन राजस्थान इज अ बिग प्लेस, इट्स अ स्टेट, इजंट इट, सो बिगर प्लेसेस के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इन यूज कर रहे हैं. इट्स वेरी सिंपल, इजंट इट. सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट रूल में रूल नंबर फाइव में क्या बताया जा रहा है. At is used for point of time and in is used for period of time. तो हम लोग अभी at और in को preposition of time के हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे. At को हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, point of time, specific period of time, very pointed time, isn't it, specified time, और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, point of time. और in कब यूज करें, period, longer duration, period of time, यहाँ पे point नहीं है. कैसे, example देखते हैं, the train leaves at 6 in the morning. 6 is a very specific precise time, isn't it, so that's why we are using at here. but in the morning, morning is not a specific or precise time, so that's why we are using in. that's why hum log in yahan pe use kar rahe, because morning time is not a specific or precise timing like 6 or 7. we can say the train leaves at 6 7. so 6 7 jo ho gaya wo precise timing or specific timing hota hai, that's why we are using at. aur ye morning jo hota hai na, period of time hai, that's why we are using in here. okay, let's look at the next example here. she will meet you in the evening, in the evening. so yahan pe evening is also what, period of time, that's why we are using in here. it's a very simple rule, I think. आप लोगों को समझ में आ गया होगा. let's move on to our next rule, that is the last rule of this video. okay, in or into, मतलब in को हम लोग किस context में use करेंगे, into को किस context में use करेंगे. in shows the existing state of things, into shows movement. मतलब यहाँ पे simple है कि in हम लोग को किसके साथ use करना है, existing state of things, मतलब ये static things के साथ use कर रहे हैं. और into किसके साथ, मूवमेंट मतलब गति को बता रहे हैं. कैसे, हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं उसे. शी जम्प्स इनटू द वेल. तो यहाँ पे वेल पे जंप कर रही है, इट शोज सम मूवमेंट. जंप जो है ना वो एक मूवमेंट को क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन इनटू देयर. बट व्हेन आई से देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 50 स्टूडेंट्स क्लास में है, तो क्लासेस इज स्टैटिक थिंग, एग्जिस्टिंग सेट ऑफ थिंग को बता रहे हैं. यहाँ पे नो मूवमेंट इज हियर,
वो लोग वहाँ पे क्या करें, एक्सिस्ट करें क्लास के अंदर. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन हियर, नॉट इनटू. बट वी कैन यूज इनटू इन द सेम सेंटेंस, बट वी हैव टू यू नो चेंज अ बिट इन द सेंटेंस. लाइक यू नो इफ आई से द स्टूडेंट्स आर एंटरिंग इन टू द क्लास, तब क्या होगा कि एंटर कर रहे हैं तो कहाँ पे उसमें मूवमेंट शो करता. तो इन सच केसेस हम लोग क्या यूज कर सकते थे, इन टू यूज कर सकते थे रादर देन यूजिंग इन. सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन केस ऑफ मूवमेंट एंड एग्जिस्टिंग सेट ऑफ थिंग्स हम लोग कैसे डिफरेंट यूजेस पे, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग इन और इन टू को यूज कर सकते. सो देर आर, दीज आर सम बेसिक रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशंस, एंड देर आर वेरियस टाइप्स वेर शोन इन द वीडियो. आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और उसमें रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे रूल्स को बताया जा रहा है, उसको एक बार मतलब रिवाइज कर लीजिएगा. सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा उसको डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड बाय.